हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आज आपके सामने हाजिर हैं 5000 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके, 5000 वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हिंदी में है। इसका हम आज पार्ट वन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ तक कि हिंदी को भी हमने कवर किया है। और इन क्वेश्चनों की एक खास बात यह है कि हमने क्वेश्चन के साथ साथ इसमें पिक्चर्स भी ऐड किए हैं, और ये पिक्चर्स ऐसे हैं जिसको आप रिलेट करके क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक ये आपके माइंड पे बने रहेंगे और आप इसे भूलेंगे नहीं। चलिए हम इसका पार्ट वन शुरू करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। हमारे पास ऑप्शन है एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला और राज बिहारी। तो आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपना आंसर ढूंढिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। तो ये एडम स्मिथ की पिक्चर है। आप एडम स्मिथ की पिक्चर और उसके नाम को रिलेट करके वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे, ऑप्शंस हैं ब्रिटेन और भारत, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और जापान, भारत और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन और चीन। तो हमने ये फ्लैग चीन और ब्रिटेन का फ्लैग कंबाइंड करके लगाया है ताकि आपको अफीम युद्ध से रिलेट करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप और उबेर कप अवार्ड किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, वॉलीबॉल से या लॉन टेनिस से। तो करेक्ट आंसर है बैडमिंटन से। यह थ्री क्वेश्चन हो गए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। तो ऑप्शंस हैं 2, 12, 15 और 20। तो करेक्ट आंसर है 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी एक बुक का नाम है, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ आंसर आपके पास शो हो चुका है, जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद की पिक्चर है जिनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवम्बर 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। कौन सी डिग्री पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर सेवन, सन 1504 में सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की थी। ऑप्शंस है आगरा की, मथुरा की, इलाहाबाद की या दिल्ली की। तो इसका करेक्ट आंसर है आगरा की। ये आगरा के पिक्चर्स है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है, मतलब पानी और लज्जा को इक्विवेलेंट यूज किया गया है। पानी पी लो, पानी पानी हो गया, पानी की तरह पैसा मत बहाओ, पानी के मेल बेच रहा, पानी के मोल बेच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है वह पानी पानी हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए तथा बाबर की विजय हुई। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है 15 मार्च 1527, 15 मार्च 1528, 13 अगस्त 1527, 13 अगस्त 1528। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मार्च 1527। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं। मुगल बादशाह बाबर के विरुद्ध खानवा की लड़ाई में राणा सांगा और बाबर की सेना आमने सामने थी। उस समय अमर शहीद हसन खां मेवाती ने मेवार के शासक राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से जंग लड़ी और इसी खानवा की लड़ाई में मेवात के बहादुर हसन खां मेवाती शहीद हो गए। इसका मतलब यह है कि राणा सांगा और बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने और इसी युद्ध में वो शहीद हो गए थे, जो कि हुआ था 15 मार्च 1527 को। हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि ने मुसाहिब कहा था। तुलसीदास ने, सूरदास ने, अमीर खुसरो ने या मीर ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरदास ने। ये सूरदास जी की पिक्चर है जिनका जन्म
1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में बताई जाती है। तो यहाँ ये 10 क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।